हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नया कंसेप्ट जो रिसेंटली अभी शार्क टैंक शो आपने देखा ही होगा जो सोनी टीवी पे आ रहा है आजकल, तो वो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है एंड डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता देती हूँ कि क्या है ये। शार्क टैंक एक शो है जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर के सामने रखने का मौका मिलता है एंड इन्वेस्टर्स को अगर अच्छा लगता है, बेसिकली अगर शार्क्स को पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ परसेंट की हिस्सेदारी ले लेते हैं। इससे एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का मौका मिलता है जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं शार्क्स। तो ये सारा कंसेप्ट है एंड इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। ऑब्वियसली आप लोग शो देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं जैसे कि रिव्यू करती हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको सारे ऑनलाइन शॉपिंग्स की साइट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे से शॉपिंग करके दिखाती हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स अमेजन या फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड हैं उनमें से मैं कुछ प्रोडक्ट्स मंगाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे हमेशा जब भी हम एक कस्टमर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये लगता है जो भी नया प्रोडक्ट है वो वर्थ बाइंग है या नहीं है। कि हम जब भी कुछ भी चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं तो हमारा ये कंसेप्ट रहता है, नहीं हमने ये मंगाया हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी हम यही मंगाएंगे, मुझे नहीं जाना नए के लिए। तो वो हम नए इन्वेस्टर्स को कभी भी मौका देते हुए लाइक हमें कहीं ना कहीं हेजिटेशन रहती है कि नहीं भाई मुझे नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं करना, क्या पता मेरा पैसा वेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट मंगाऊंगी वो हम देखेंगे कि मैंने उससे पहले उस प्रोडक्ट को कभी नहीं मंगाया, कभी टेस्ट नहीं करा। लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, स्नैक्स हो गया, ब्यूटी रिलेटेड हो गया या फिर और चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो मैं डेफिनेटली आगे और मतलब लेके आऊँगी। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली रिव्यू मिलने वाला है कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कैसा निकला है, जितना हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट मतलब डाला है कि उतना वर्थ था या नहीं था। तो उसकी टेस्टिंग भी मैं आपको बताऊंगी, अगर खाने का आइटम है तो ऑब्वियसली उसकी टेस्टिंग आपको पता चल जाएगी, लगाने का है तो उसको मैं लगा के दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का प्रोडक्ट एंड ये है बियॉन्ड स्नैक करके इसका ब्रांड का नेम है जो मैंने अमेजन से मंगाया है। इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है एंड विद इन अ टाइम मेरे को रिसीव हो गया था, जितना टाइम बोला गया था उतने टाइम में डिलीवर हो गया है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया है बिकॉज मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि कैसा निकलेगा, कैसा बॉक्स रिसीव हुआ है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो लेट्स ओपन इट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने मंगाए हैं स्नैक्स। ये हैं केरला के बनाना चिप्स एंड ये बेसिकली केरला से ही रिसीव हुए हैं। तो देखते हैं इनका टेस्ट में डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये इस तरह से हमें तीन पैक रिसीव हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में। ये ओरिजिनल स्टाइल है, ये सॉर क्रीम अनियन एंड पार्सले है एंड ये पेरी पेरी। तो ये तीनों हमें पैक इसमें मिल जाते हैं एंड ये बेसिकली केरला से हैं, तो मतलब एक मेरे को फील वैसे ही ऑलरेडी आ चुका है इन्हें देख के कि हाँ भाई केरला से रिसीव हुए हैं। तो इनका जो प्राइस डला हुआ है यहाँ पे 90 ईच डला हुआ है एंड ये जो पैक है ये 100 ग्राम्स का है, 100 ग्राम्स ईच, तो आपको 300 ग्राम्स मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो MRP है वो 90 रुपीस ईच डला हुआ है एंड ये जो मेरे को मिला है अमेजन से 240 रुपीस का मिला है 3 बैग्स, तो अराउंड 80 रुपीस का मेरे को एक पैकेट पड़ा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब अब बाकी इसको हम ओपन करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले हम खोलते हैं पेरी पेरी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्वांटिटी भी दिखा देती हूँ कि एक पैकेट में कितनी क्वांटिटी निकलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी है, थोड़े बहुत लाइक टूटे हुए हैं बट ऐसा नहीं है कि सारे ही टूटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ थोड़े बहुत टूटे हुए हैं, कुछ आपको साबुत भी मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइक जब आपको रिसीव होता है तो इस तरह से मे बी ये अच्छे से रिसीव हो जाए, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ। और ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं, पतले पतले हैं। तो अब इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। टेस्टिंग इज गुड, मतलब अच्छा लग रहा है। और जैसे कि कोकोनट की हम जो नॉर्मली मैं मंगाती हूँ उनमें थोड़ा सा कोकोनट का ना थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आता है, तो वो चीज़ मुझे इसमें नहीं लग रही है। एक तो इसमें क्रिस्प अच्छा है यहाँ पर मुझे श्वास लाइक वो एंजॉय करना चाह रहा है। तो इसमें क्रिस्प अच्छा है, प्लस आप साइज देख सकते हैं बहुत अच्छा है, पतला बहुत ज़्यादा है एंड टेस्ट
सुपर है, आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे नहीं कि आपको, अगर मैं रिव्यू दे रही हूँ तो मैं इसको बोलूंगी ही कि आप लो ही लो, बट मुझे डेफिनेटली इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पेरी पेरी जैसे है, पेरी में इतना ज्यादा कोई इतना मसाला नहीं है। अब हम दूसरा पैकेट ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। ये है सॉर क्रीम अनियन एंड पार्सले। तो इसका जो प्राइस है नॉर्मली, लाइक जो नॉर्मली हम परचेज करते हैं बनाना चिप्स, उससे डेढ़ गुना है। इसको मैं यहीं से टेस्ट कर लेती हूँ। तो ये वाला जो फ्लेवर है ये भी अच्छा है, पर मुझे पेरी पेरी ज्यादा पसंद आया। इसमें थोड़ा सा क्रीम का टेस्ट है, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है क्रीम अनियन। एंड इसका जो फ्लेवर आ रहा है मेरे को बेसिकली जो लेस का अनियन वाला जो आता है फ्लेवर, उसी की तरह से ही थोड़ा सा मिक्स आया हुआ है। तो ये वाला मुझे थोड़ा कम पसंद आया। एंड ओवरऑल नाइस है ये भी। तो अगर आपको क्रीम वगैरह का पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको भी देख सकते हैं। तो अब हम ओपन करते हैं थर्ड वाला जो है ओरिजिनल स्टाइल। तो इस तरह से रिसीव होता है ये। पतले बहुत हैं क्योंकि जो हम नॉर्मली मंगाते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, उसमें ऑयल की स्मेल थोड़ी ज्यादा आ रही होती है, इनमें नहीं है। ओरिजिनल स्टाइल बेस्ट। तो इसके दो फ्लेवर्स मुझे एकदम बिंदास मस्त लगे हैं, डेफिनेटली इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसमें कोई कंपल्शन भी नहीं है, जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद आते हैं वही आप फ्लेवर्स ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करती हूँ सॉर क्रीम वाला नहीं ऑर्डर करूंगी मैं, डेफिनेटली दोनों करूंगी एक्सप्लोर। मुझे काफी अच्छे लगे हैं, इनको आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं एंड पार्टीज वगैरह में रख सकते हैं। तो ये काफी हेल्दी ऑप्शन है, डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स टेस्टिंग हो चुकी है और आपको मैंने बता भी दिया है। एंड इसमें मैं बताना चाहूंगी कि सॉर क्रीम वाला मेरे को नहीं पसंद आया, बिकॉज मेरा थोड़ा सा फ्लेवर उस टाइप का नहीं है। एंड बाकी दो फ्लेवर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं आया तो आपको भी पसंद नहीं आएगा, आप लोग डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हैं। बनाना चिप्स एक हेल्दी ऑप्शन भी है तो आप उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिएगा। मेरी तरफ से हाईली थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप डेफिनेटली बाय कीजिएगा। एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरा कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो मैं ये कंसेप्ट लेके आई हूँ सबको पसंद आए और अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया है कि पहले कभी, या फिर अगर आप मेरे कहने पे आगे ट्राई करने वाले हैं क्या, तो मुझे ये जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, इस बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। एंड इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे और काफी अच्छी चीजें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।